ये हमने यहाँ पे 9 फंदे बुनने हैं। तो ये हमने एक एक्स्ट्रा फंदा ले लिया है, यहाँ पे हमने 8 फंदे बुन लिए हैं, 7 फंदे। अब यहाँ पे इन दो फंदों को एक करेंगे, तो इसको हम इस तरह से फ्रंट लुक से निकाल कर आगे की साइड से डालेंगे, फिर इसको बैक लुक से दो फंदों का हम एक कर लेंगे इस तरह से। देखिए अब ये जो जाली बनी है, यहाँ जितने भी जाली फंदे बनेंगे वो हम सीधा ही बुनेंगे। तो धागा अपनी साइड लाएंगे, सीधा बुनते हुए जाली बनाएंगे इस तरह से। ये जो हमने आगे पहला जाली बनाया था इसके ऊपर सीधा बुनेंगे, यहाँ पे जाली बनाते हुए ये इस तरह से। अब फिर हम धागा अपनी साइड लाएंगे, फिर हम यहाँ पे 4 फंदा उल्टा बुनेंगे, 2, 3, 4। इसको हमें हर सिलाई में इसी तरह से बुनना है। ये हमारी थर्ड रो है राइट साइड से, तो इसमें हम आगे की साइड से हर सिलाई में इसी तरह से बुनेंगे। 4 फंदे आगे की साइड में रहेंगे, बीच में एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर हम धागा अपनी साइड लाएंगे, 4 फंदा इस साइड भी बुनेंगे इसी तरह से। बीच में ये हम बुन लेंगे 4 फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर वही हमें रिपीट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 7 फंदे हम सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे जाली से पहले 2 फंदे सीधे हैं, तो इनको हम आगे की साइड से डाल लेंगे इस तरह से, फिर बैक लुक से 2 फंदों का एक कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी चोटी बनती जाएगी। फिर हम धागा अपनी साइड लाएंगे, सीधा बुनते हुए जाली बनाएंगे, फिर धागा अपनी साइड लाएंगे, फिर 4 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा। इसी तरह से हम अपना थर्ड रो रिपीट करेंगे। ये हमने थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है राइट साइड से। अब हम रॉन्ग साइड से 4 रो बुनेंगे। 4 रो में भी उसी तरह हम रिपीट करेंगे जैसे हमने सेकेंड रो बुना है। सारे फंदे हम इस तरह से पर्ल वाइज उल्टा स्टिच कर लेंगे, यहाँ पे उल्टा स्टिच करके कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमने 4 रो बुनकर कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारी जो चोटी बनकर आ रही है फली, तो ये हम इस तरह से बुनकर करेंगे। यहाँ से इस तरह से लेकर जाना है, फंदे यहाँ से कम करेंगे, यहाँ पे हम जाली बनाकर सीधा यहाँ सीधा बुनते जाएंगे। फिर ये बीच में हमने 4 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा इसी तरह से बुना है। फिर यही वाला हमने यहाँ पर रिपीट किया है। दो दो पैटर्न हमने दोनों डिजाइनें बनाई हैं। ये जो हमने बनाया हुआ है, 2 ये बना है, 2 ये बना है। तो यहाँ पर फिर हम वही रिपीट करेंगे। एक फंदा इस स्टिच ले लेते हैं, इसको हम स्लिप कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 7 फंदा बुना था इससे पहले, अब हम 6 फंदा बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6। धागा पीछे ही रहेगा। अब इन दो फंदों को हम इस तरह से आगे की साइड से डालेंगे, बैक लुक से नीडल को डालते हुए इस तरह से 2 फंदों का एक कर लेंगे। फिर धागा अपनी साइड लाएंगे, फिर हम इसको जाली बनाते हुए इस तरह सीधा बुनेंगे। जितने भी जाली से हमारे फंदे बनेंगे सारे फंदे हम सीधा ही बुनते जाएंगे। फिर हम धागा अपनी साइड लाएंगे, 4 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा इसी तरह से हम 5th रो बुनकर कंप्लीट करते हैं। रॉन्ग साइड से अब हम यहाँ पे 6th रो बुनेंगे। 6th रो में फ्रेंड्स सारे फंदे रॉन्ग साइड से उल्टा ही बुनकर हमें कंप्लीट कर लेने हैं। सारे फंदे उल्टा बुनेंगे। देखिए ये हमारी डिज़ाइन कितना ब्यूटीफुल बनकर आया है। बहुत इजी, बहुत ही आसान है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में, लेडीज जैकेट में, बच्चों के स्वेटर में। अब यहाँ से फिर वही हम रिपीट करते हैं। अब हम ये 7th रो बुन रहे हैं। 7th रो में आगे जितने भी फंदे हैं इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब ये जो 2 फंदे बचे हैं तो इन दोनों को भी इसी तरह से करना है जो हमने इससे पहले 5th रो में बुना था। इन 2 फंदों को आगे से डालेंगे इस तरह से, बैक लुक से दोनों फंदों को एक कर लेंगे। धागा अपनी साइड लाएंगे, अब यहाँ जाली बनाते हुए सीधा बुनेंगे इस तरह से। जितने भी फंदे जाली से बनेंगे उसे हम सीधा ही बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड लाएंगे, 4 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा। अब इसी तरह से हम अपना 7th रो कंप्लीट करेंगे बुनकर।
ये सेवंथ रो हमने राइट साइड से बुन लिया है। अब हम एट रो बुनेंगे, रॉन्ग साइड से सारे फंदे पर्लवाइज उल्टा स्टिच करेंगे, उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से हमने एट रो बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब राइट साइड से हम नाइन्थ रो बुनेंगे, यहाँ पर भी हम वही बुनेंगे जो आगे हमारे फंदे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेते हैं। टू थ्री, यहाँ पे अब हम फोर फंदा बुनेंगे। अब ये जो दो फंदे हैं, इन दो फंदों को आगे की साइड से इस तरह डालेंगे, सीधा बुनेंगे बैक लुक से, धागा अपनी साइड लाएंगे। अब जाली बनाते हुए सीधा बुन लेंगे, जितने भी फंदे हमारे जाली से बने हैं, धागा अपनी साइड लाएंगे। अब यहाँ पे उल्टा बुनेंगे चार फंदा, इसी तरह से नाइन्थ रो बुनकर हम कंप्लीट करेंगे फर्स्ट रो की तरह। ये हमने रॉन्ग साइड से टेंथ रो बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इलेवन रो बुनेंगे, ये हमारा फोर्टीन रो में कंप्लीट हो जाएगा बनकर। ये हमारा डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इजी है, बहुत आसान डिज़ाइन है। चलिए अब यहाँ हम यहाँ पे इलेवंथ रो बुनते हैं। इलेवंथ रो में भी वही हमें रिपीट करना है। यहाँ पे अब हम बुनेंगे थ्री फंदे सीधा, थ्री फंदे बुनने के बाद ये दो फंदे आगे की साइड से डालेंगे, बैग लुक से दो फंदों का एक कर लेंगे, धागा अपनी साइड लाएंगे। फिर यहाँ पे वही हमने जितने भी जाली से फंदे बनाए हैं सारे फंदे सीधा बुनेंगे। इसी तरह से हम एलेवंथ रो बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये हमने रॉन्ग साइड से ट्वेल्व रो बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर बुनेंगे हम थर्टीन रो, थर्टीन रो में एक फंदा स्लिप करेंगे। फिर यहाँ पे वन टू, टू फंदे बुनने के बाद इस तरह से दो फंदों का एक करेंगे, आगे की साइड से डालेंगे इस तरह से। फिर हम धागा अपनी साइड लाएंगे, सीधा बुनते हुए जाली बनाएंगे। फिर इसी तरह से हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनकर आएगा। फिर धागा अपनी साइड हम लेकर आएंगे, फिर यहाँ पे चार फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, चार फंदा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए ये हमने 14 रो बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम बुनेंगे 15 रो, 15 रो में भी इसी तरह बुनना हमें, एक फंदा स्लिप करेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा फंदा है। अब एक फंदा बुनने के बाद इन दो फंदों को आगे की साइड से डालेंगे इस तरह से, धागा अपनी साइड लाएंगे, जाली बनाते हुए सीधा बुनेंगे। इसी तरह से 15 रो बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये हमने 16 रो रॉन्ग साइड से बुनकर कंप्लीट कर लिया है। देखिए कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनकर आया है, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान है। अब इसके ऊपर हम अगला डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये वाला जो हमने बनाया है इसके ऊपर यहाँ बनाएंगे, और ये वाला जो है ये इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हम अपना पैटर्न चेंज कर देंगे तो और ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनकर आएगा। अगर आप सेम इसके ऊपर ही यही प्रोसेस बनाना चाहते हैं, यही डिज़ाइन, तो कर सकते हैं। ये आप सीधा लेकर जाएं, जैसे हम बुनते गए हैं नीचे से, चार फंदा उल्टा, चार फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तो इसी तरह से हम इसको रिपीट करते जाएंगे इसके ऊपर। ये वाला हम नाइन फंदों में बनाए हैं, तो इसके ऊपर हम फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये जाली बनाना जो हमने जाली यहाँ से बनाई है, वही जाली स्टार्टिंग से यहाँ से बनाएंगे, सारे फंदे यहाँ सीधा बुनेंगे, दो फंदों का यहाँ पे एक करते हुए जाली बनाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हम अपना पैटर्न बनाएंगे अगला वाला। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही इजी। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक और वीडियो मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तो अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजुम निटिंग। आज हम वन कलर में पैटर्न बनाना सीखेंगे, बहुत ही इजी, बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न। ये हमारा नाइन नाइन फंदों में पैटर्न बन के आएगा। तो चलिए हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये नीचे से हमने फोर सिलाइयाँ सीधा सीधा बुन लिया था, दोनों साइडों से सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है फोर सिलाई। आप यहाँ नीचे से बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर बना के इसके ऊपर से पैटर्न बनाना स्टार्ट करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी लेटेस्ट वीडियो की। आप मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको ये डिज़ाइन समझ में आएगी। स्किप करके देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे स्टार्टिंग में एक फंदा स्लिप करेंगे। आप चाहें तो इसे एस स्टिच कर लें या फिर स्लिप कर लें। अब यहाँ पे हम बुनेंगे 9 फंदे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे हम बुनेंगे। उसके बाद हम ये वाला जो हमारा स्टार्टिंग में हमने स्लिप किया है तो ये हमारा एस स्टिच रहेगा। इसके बाद से हम यहाँ से लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 फंदों के बाद हम 2 फंदों का एक करेंगे, उसके आगे हम जाली बनाएंगे। तो इस तरह से हम फ्रंट लुक से 2 फंदों को इस तरह से ऐसे ही 2 फंदों को आगे की साइड से इस तरह बुनते हुए 2 फंदों का एक कर लेंगे फ्रंट लुक से। अब हम धागा अपनी साइड लेकर आएंगे। अब यहाँ पे हम जाली बनाएंगे तो धागा इस तरह से हम लपेट लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें उल्टा फंदा बुनना है। 4 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, 4 फंदा पर्ल वाइज उल्टा स्टिच करेंगे, 1, 2, 3, 4 धागा पीछे करेंगे, 4 फंदा उल्टा स्टिच करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब बीच में एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, इस तरह से एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर हम धागा अपनी साइड लाएंगे, फिर यहाँ पे 4 फंदा, 1, 2, 3, 4 4 फंदा हम उल्टा स्टिच करेंगे, धागा पीछे करेंगे। फिर यहाँ पे वही हम रिपीट करेंगे, 9 फंदा जो हमने बुना है आगे की साइड में वही हम बुनेंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब यहाँ पे 9 फंदा जो हमें बुनना है तो इन दोनों को लेकर बुनेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। तो इस तरह से हम फ्रंट लुक से 2 फंदों का, इसको हम इस तरह से भी बुन सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह निकाल के हम आगे की साइड से डाल के बैक लुक से 2 फंदों का एक कर लेंगे। ये देखिए, फिर हम धागा अपनी साइड लाएंगे, धागा लपेटते हुए जाली बनाएंगे। फिर यहाँ 4 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा बीच में, फिर 4 फंदा उल्टा। इसी तरह से हम फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे बुनकर। ये हमने फर्स्ट रो राइट साइड से बुनकर कंप्लीट कर लिया है, जो मैंने आपको दिखाया है डिजाइन बनाकर पैटर्न। तो अब यहाँ पे हम रॉन्ग साइड से सेकेंड रो बुनेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सारे फंदे हम इस तरह से सारे फंदे उल्टा बुनकर कंप्लीट करते हैं। रॉन्ग साइड से हमने सेकेंड रो बुनकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए हमारी 1 जाली बनकर आ गई है, जो हमने यहाँ जाली बनाया था 2 फंदों को एक करके। फिर ये स्टार्टिंग में जो हमने 9 फंदे बुने हैं इन 2 फंदों को जो एक किया था ये वाला लेकर, तो इसी तरह से हम बुनेंगे। तो ये जो जाली और चोटी हमारी बन के आएगी तो इस तरह से जाएगा। जो हमारी जाली से फंदे बनेंगे उन्हें हम सीधा बुनेंगे। चलिए हम थर्ड रो बनाना स्टार्ट करते हैं। थर्ड रो में हम एक फंदा स्लिप करेंगे। अब यहाँ पर हम वही 7 फंदे बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7